जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। से देवी अलक्ष्मी को जो व्रत धारण करिवार निर्देश देइथिले ताहा अलक्ष्मी पक्षरे बहन करिवा संभव हेउ नाही। प्रभु मु एही मुहूर्त रे कपिल मुनि को सांगरे धरी निमंत्रण पत्र अनुष्ठान रे उपस्थित होची। श्री आमर विवाह आयोजन कहीं की त्रुटि विहीन हेउ नाही, कौनसी ना कौनसी विघ्न तो घटे ही चली। कुआडे गला से शंख एई तो देवी एई तो से शंख एई शंख से शंख नुहे अलक्ष्मी। श्रीलक्ष्मी निज सम्मतिर निदर्शन स्वरूप जो शंख देइथिले सेइटा कुआडे गला एई से शंख देवी मु एई शंख बहन करि आनी छी। मिथ्या कथा, शंख बदल करिछ तुमे, सत कुह लक्ष्मी सत कुह। सत्य ही कहुची देवी, विश्वास करो। किंतु ए शंख दक्षिणावर्त शंख है पारे ना, मंगल शंखर चिन्ह अन्य प्रकार। लक्ष्मी एई शुभ कार्य रे तुमे निजकु नियंत्रण रे रखी पारिलोनी, निजर स्वरूप को प्रकाश करि देल। तुमर तो विवाह स्थिर ही सारी, तुमे व्रत भी धारण करिछ, ता परे भी एते असंजम कहीं अलक्ष्मी। दुर्भाग्यर देवी पाखरु याठारु बेसी कौन बा आशा करिपरिबा, भूल आपणंकर ही हेइछि देवी सरस्वती। श्रीलक्ष्मी विवाह परि शुभ कार्य देवी अलक्ष्मी को सांगरे रखिबार कौनसी प्रयोजन नथिला। ठीक देवी, ठीक ठीक। तुमर भावी पति कपिल मुनि तुमर भयानक रूप देखिले केते बेसी रुष्ट हेबे ता तुमे कल्पना भी करि परुन अलक्ष्मी। विश्वास करंतु पिता, मु सतरे निर्दोष, मु एबे सतरे कपिल मुनि प्रदर्शित पथरे चलिबार प्रचेष्टा करूछि, व्रत आचरण करुचि। आपण माने विश्वास करंतु मु सतरे निर्दोष। मालो तुम आशीर्वाद रे आमर सब विघ्न दूरेई जाइछि, तुमर जक्ष लोक एबे शस्य समळा होई उठिछि, ए वर्ष खूब भल फसल हेइछि मा। मु सर्वदा तुम मानकर कुशल प्रार्थना करे सुकुमारिका, स्वामी संतान ने तुम्हें माने सुखी हुआ। विवाह को नहीं व्यस्त थिबारु मु किछि दिन तुम मानकर कथा बुझी पारिनी। मालो तुम बाहाघरर संवाद पाई तो आज आम एठी की दौड़ी आसीचु, आजी सारा चक्षपुरी तुमर ए विवाहर आनंदरे हसुची मा। तुम मानंकर भल पाइबा मो चला पथर पाथेय, मो विवाहरे तुम समस्तंकु उपस्थित रहिबाकु पड़िबो, किंतु एबे थारु मु ए कथा कहि देली। निश्चय रहिबो मा, देखो मा तुम पई आमे ए उपहार नै आसीचु, हे नियो मा। मा
तुम मानकर ए उपहार मु मंगल चिन्ह रूपे ग्रहण कली। मो विवाहर समस्त आशीर्वाद ए धान आउ दुबो द्वारा हेबो। केवल मो विवाहरे नुहे, आजि ठारु त्रिलोकरे जेते विवाह संपन्न हेबो समस्त विवाहर आशीर्वाद ए धान आउ दुबो द्वारा ही हेबो। जिए एहा द्वारा आशीर्वाद पाइबो तार जीवन श्री आउ सौभाग्यरे पूरी उठिबो। मा मालो तुम्हें धन्य मा मा तुम दयारे धन्य ए त्रिभुवन। जय मा श्री लक्ष्मी कर जय 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 मा श्री लक्ष्मी कर जय जय। एथर हमको विदाय दियो मा। विदाय जो भल पाइबा जो विश्वास तुम्हें माने मो उपरे रखिछ तार कौनसी तुलना नहीं। तुम मानकर ए उपहार मु मस्तक रे धारण करिबी। केते दिन तुम्हें अयोग्य मानको एमिते मुंडरे बसैथिबो श्रीलक्ष्मी। केते दिन एमिते भाबरे अपात्र रे तुम स्नेह दान करुथिबो। आपण माने विश्वास करंतु मु सतरे दक्षिणावर्त संख बदलैनी। मु तो बुझी भी पारुनी मो हाथ रे थिबा संख इपरि भाबे बदलि गला किपरि। तुमर गोटे हेले भी कथा मु विश्वास करेनी अलक्ष्मी। मिछ कहिबारे तुमर तुलना रे केही नाही। श्रीलक्ष्मी को अनिष्ट चिंता बिना तुम मनरे अन्य कौनसी चिंतार स्थान नाही। जोठी जेते बेले जेति कि टिके सुजोग पाइछंती देवी श्रीलक्ष्मी को क्षति साधन करबा को चेष्टा करछंती आपण। एपरी कि देवराज इंद्रं को पर्यंत विभ्रांत करबा को चेष्टा करछंती आपण देवी अलक्ष्मी। स्थान रे तुम छड़ा एपरी केही नाही जे एमिति गुण्य कार्य करि परिबो। हे प्रजापति निमंत्रण पत्र रो शुभ मुहूर्त अजथारी अतिवाहित हेउची। सम्मति चिन्ह बिना तो निमंत्रण पत्र असंपूर्ण रही जीव। अलक्ष्मी हरे दियो दक्षिणावर्त शंख। विश्वास करंतु पिता मु सतरे निरुपाय कारण मु ए कार्य करिनी। अलक्ष्मी साहस अछित मो आखिरे आखि मिसे कुहजे श्रीलक्ष्मी प्रदत्त दक्षिणावर्त शंख तुमे लुचै नह कथा। जदि तुम्हें मिथ्या कथा कह मोर तृतीय नयन उन्मोचित हेब। आउ तुम्हें भल भाव जाच मोर तृतीय नयन उन्मोचित हेबार अर्थ कौन। जाने देवाधिदेव आपणक तृतीय नयन उन्मोचित हबार अर्थ अग्निवर्षण हबा। मु जदि मिथ्या वचन कही थाए मु जदि श्रीलक्ष्मी प्रदत्त दक्षिणावर्त शंखर कौनसी रूप परिवर्तन करी थाए ताहेले एई मुहूर्तरे आपणक तृतीय नयन उन्मोचित हौ एवं आपणक तेजाग्निरे मु जेपरि एइठी भस्मीभूत हुए
Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।